लूट के चले गए हैं। यार वो जो औरतें खड़ी ना, मेरे ख्याल से उनको लूट के भागे। यार अम्मा चोरी कितने सरेआम होने लगे। लोग मेरे मजाक उड़ा रहे थे व्लॉग जब मैंने डाल दिया, लोग बोल रहे इतना भी कोई पागल नहीं होता, ये नहीं होता, लेकिन कसम खुदा की मुझे नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता, इसको भी नहीं पता। मैंने कहा बुआ बिल्कुल सेज तावीज की तरह बेटा उल्टा ना हो जाए। इसने कहा मेरे हाथ में तो थे, मैंने इसके हाथ पे मारा। मैंने कहा हाथ नहीं लगा तुझ पे कोई करवाने वाला हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कश्यप यूट्यूब चैनल। और इस व्लॉग को लाइक कर लेगा, कमेंट कर लेगा, शेयर कर लेगा, क्योंकि मेरी मॉर्निंग हो गई है भाई साहब। अभी बाहर देखते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। कल मैंने तेल लगाया था और इतनी गर्मी है ना कि गर्मी में तेल लगाया ही नहीं जा रहा है। खैर आज सरवर धोंगी और तेल को अपने सर से निकाल के शर कर दूँगी। बाहर देखते हैं क्या हो रहा है। बाबा कौन था? लूट के चले गए हैं। यार वो जो औरतें खड़ी ना, मेरे ख्याल से उनको लूट के भागे। यार अम्मा चोरी कितने सरेआम होने लगे। मूवी स्टॉप करे हुआ नहीं, मूवी का रिमोट देख कर का तमाशा मेरा खत्म हो जाए। ना मेरी, मैं तो गाड़ी में, मैं क्या मुझे ना लूट ले, अल्लाह ना करे। सीसी कैमरा लगाओ। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सीसी कैमरा लगवा लूँ। वैसे एक हिडन कैमरा लगा हुआ जो कि किसी को नहीं पता, एक और लगवा लेती हूँ। और आयत की आप खुशी चेक करें, आयत के पेपर्स ख़त्म हो गए। बाहर से अंदर आने के बाद मुझे तो घर में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। पेपर ख़त्म हो गए, हम दोनों नाचेंगे। पेपर ख़त्म आए नहीं नाची। 12-12 बजे तक मैंने ट्यूशन पढ़ा, रात के 12-12 बजे तक। कहाँ लेके जाऊंगी? विंटरलैंड। शक्ल देखी है तुमने अपनी? ज्यादा प्यारी है बेटा। किससे ज्यादा प्यारी है? विंटरलैंड से ज्यादा प्यारी THC की शक्ल। ओहो जी। अच्छा अभी मैंने स्कूल से आती थी ना, खाना खाती लेट जाती थी। आज मैंने फुल टीवी देखा, मैंने कुछ खा रही। कितना धन्यवाद, ये सुकून मिला। तुम समझी थी मैं गले लग रही हूँ, मैं तो बच्चा माटा टिका रही थी। तो आज ही कह रही है विंटरलैंड चलने का। आप लोग पता है हम नीचे चोर आए थे और चोरों ने ना सिर्फ 70 रुपए लिए और ₹10 अंडी को गिरा दिया। मतलब इतना हराम मौत का लगा हुआ लोगों के मुंह पे, इतना हराम मौत लगा हुआ। आज मेरे साथ लड़कियों ने सेल्फियां भी ली। एक लड़की मेरे पास आई, कहती है मेरी अम्मा आपको लोग देखती है, बोलती है कि ना आपके छोले खत्म हो रहे ना, सोमो जैन भी तुमने कौन सी दवा लगाओ सही। अच्छा आंटी देखो कितनी खाप मेरी फिक्र है मेरे छालों की। एक मेरे घर वाले ठीक है उठाओ लूडो खेलते हैं। फिर जल्दी आ रहा ये लो, मेरे लूडो खोलने पे इतना खुश क्यों होते? खोल लो तू। हुआ हालात सही नहीं बेटा, जब भी नीचे आओ तो वहाँ से कॉल कर दिया करो ताकि गेट खोल दें। पे हो ना गली के कोने पे हो तो बंदा आके गेट खोल। कंधे पे क्या बैठा हुआ है? कैमरे में से नजर आ रहा है आपके कंधे पे कुछ बैठा हुआ है। बहुत दर्द भी हो रहा है उधर वाले कंधे पे, दोनों में हो रहा है। मकड़ी बैठी हुई है। माँ आपके कंधे पे कुछ बैठा हुआ है? माँ आपके कंधे पे कुछ बैठा हुआ? बैठे रहने दो, उठाए मुझे कुछ हो रहा है, आके उठा लो। वो बड़े बड़े जानवरों से नहीं डरती तो ये तो कीड़े मकोड़े कुत्तों को मार के भगा रही होती। ये बाबा दे मकड़ी या मकड़ी जी नहीं। और आयत यहाँ पर नेटफ्लिक्स देख रहे हैं लेट के, और बहुत प्यारी सी मूवी, क्योंकि आयत के पेपर्स खत्म हो गए हैं और हम लोग कर रहे हैं इंजॉय। तो आप लोगों को मैं बताऊं, सुबह से इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि मैंने ना व्लॉग बनाया, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस थोड़ी बहुत रूटीन दिखाई है। क्या बाबा क्या कह रहे हैं? शक्ल जो है आपकी ऐसी हो गई इतनी गर्मी की ऐसे, है ना? राइट बाबा, तो गर्मी बहुत ज्यादा है। अभी ये लोग तैयार हो रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं पप्पा के घर क्योंकि हमारा बन रहा है पिकनिक का प्रोग्राम। तो आज जाके सीन सेट करने, सारी चीजें डन करनी है, कंफर्म करना है। सो गाइस हम लोग घर से निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं पप्पा के घर। और जो है क्या बोलते हैं, निकल जाते हैं क्या
लोग अचानक से नहीं करते हैं। तभी मैंने कॉन्सेंट्रेट व्लॉग से आगे सामने कर दिया था। खैर हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोग सोच रहे होंगे, तो हम लोग जा रहे हैं, बताया है। अच्छा बता दिया, सॉरी। और मैं जो है ना आज नहा वहा की साफ सुथरी हो गई क्योंकि सर में तेल लगा हुआ था और इतनी गर्मी लग रही थी ना, आप लोगों की सोच है। तो अभी ये है कि हम खुद भी चैलेंज बना लेंगे। कौन सा चैलेंज बना लेंगे? कौन सा चैलेंज? ओसा भी बना लेंगे। आगे की टॉपिक सही निकालो, इंटरेस्टिंग, मेरे लोग बोर नहीं हो जाए। आज व्लॉग भी नहीं बनाया, इतनी गर्मी थी। लेफ्ट जाना है, सीधा जाना है? सीधा जाना है, बार बार बता चुकी, ब्रेक की बात करती थी। अच्छा ठीक है, सॉरी मम्मा। तू उतनी अच्छी क्यों बन जाती है व्लॉग करना? मैं कब अच्छी बनी? और क्या, एक मिनट रोक, यहाँ से टिश्यू पेपर काम दिया पीछे रखा हुआ। तो पीछे क्या कर रहा है? इसका कपड़ा काम दिया, सब उतार दिया था मैंने। फाइनली आयत के पेपर्स ख़त्म हो गए हैं। बात ये करनी थी और उस वक्त याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने व्लॉग क्यों ऑन किया है। खैर तो आप लोगों को बताऊं कि आयत के जो पेपर्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तो अब आयत के तो भाई मज़े। ये किस चीज़ का आ जा रहा है ऑप्शन? वो मेरे पेपर ख़त्म होने का ऑप्शन आ रहा है, मुझे लग रहा है बार बार पेट्रोल का ऑप्शन दे रहा है। खैर पेट्रोल अभी डला हुआ है तो कहाँ से ऑप्शन? हाँ पेट्रोल तो फुल है गाइस, फिर भी हिलती है तो पेट्रोल का ऑप्शन ऊपर आता है, पता नहीं क्यों। गाइस क्या करेंगे गाइस के पास ना कुछ ना कुछ। ये देखे गाइस, अभी आप लोग देखा हिली तो ऑप्शन आया, अभी दोबारा आप लोग को दिखाती हूँ गाइस, अभी देखिएगा गाइस अभी नहीं आया गाइस। अच्छा जान के गड्ढे में लेके जाएगी, अभी मैं दिखाना चाह रही हूँ ना गाइस को। ये देखा आप लोगों ने, देखा 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 ये हो रहा है, ये हो रहा है। आइए और पहले पाइए अभी आयत को घुमाने के लिए आज से हम शुरू हो गए हैं। तो जितने दिन वो नहीं घूमी है वो उतने दिन का कोटा इनका पूरा करना है। पेपर कैसा हुआ ये नहीं पता हमें। आज का पेपर कैसा हुआ था आयत? अंसारी बता, पांच दफा बता। मैंने किसको बताया? आपको नहीं बताया ना अम्मा? मतलब आप ये बताओ इसको बताइए आप क्या पेपर? मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है बोलेंगी ना, तब कसम से सबको मैं नंबर भी दूंगी। आयत का अगर ना अगर कोई मेरा पेपर चेक कर पेपर जो चेक करने वाला देख रहा है ना, खातिर प्लीज मुझे फर्स्ट कर दीजिए। उनको कैसे पता ये आयत का पेपर है? रोल नंबर से और सीरियल नंबर से कॉपी चेक होती है। आप मैसेज और आपकी इतला नर्सी के बाबा भी आपके चेक करते हैं, आप बाबा को भी नहीं पता कि ये आपकी कॉपी, क्योंकि आप अपनी सीरियल नंबर तो आपके पास है ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि रोल नंबर से ही वो होता है और सीरियल नंबर इम्पोर्टेंट जो है ना वो सीरियल नंबर होता है, कि कॉपी का सीरियल नंबर जो लेफ्ट पे लेना है, सीरियल नंबर लेना। अब हम लोग कल जाएंगे विंडरलैंड, आप भी उसके पास से जाया हो जाएंगे, चल लो हम विंटरलैंड चलना है। वो ना किसी से जिससे गाड़ी ली होगी उसके ही रखे होंगे, इससे गाड़ी इसके हाथ नहीं नहीं आई। लेकिन आप ये देखिए मैं कितनी शरीफ हूं, क्या किया जूस लिया, जूस लेने के बाद ना इसने ना सीट के ऊपर जूस गिरा दिया। अब इसने अपने बाप को बोला कि बाबा जूस गिर गया, आप ऐसा करें कि कवर उतार दें इसका। उसका कवर उतारा ना, जो सीट के नीचे जो कुर्सी ने रख दिए होंगे वो सीट में से गिर गए। अब मैंने कहा दुआ ये नीचे देख, इसमें ना लिखा हुआ भी अरबी से कुछ लिखा हुआ। अल्लाह मैंने पढ़ना शुरू कर दी, अम्मा पढ़ने लग गए सरकतुल वलकू और पता नहीं क्या क्या। पप्पा कहेंगे ना लोग मेरे मजाक उड़ा रहे थे व्लॉग जब मैंने डाल दिया, लोग बोल रहे इतना भी कोई पागल नहीं होता, ये नहीं होता। लेकिन कसम खुदा की मुझे नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता, इसको भी नहीं पता। मैंने कहा दुआ बिल्कुल सेम तावीज की तरह बेटा उल्टा ना हो जाए। इसने कहा मेरे हाथ में तो दे, मैंने इसके हाथ पे मारा। मैंने कहा हाथ नहीं लगा, तुझ पे कोई करवाने वाला हुआ तो तू हाथ में ले लेगी, कह के दिखाएंगी नहीं आप। मैंने कहा दुआ देख मुझे डर लग रहा है, तुझ पे कोई कुछ ना करा दे, क्योंकि इतनी ज्यादा टेंशन में चल रही है ये आजकल, कुछ ना कुछ पता है जब बहुत लगातार लगातार इसके ऊपर आफतें आ रही हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना किसी ने कुछ करवा लो जिससे गाड़ी की, उसको फोन किया तो वो उसके अंदर ठगे ला जाए। वो तो हंस हंस के बोल रही, वो बोल रही की कश्यप कश्यप तुम्हारा मैं क्या करूँ, कोई इतना भी नहीं होता। और ऊपर मुझे बादल नहीं हरानगे, मैं इतना हंसने का यार ये उसके पेपर से मुझे पता ही नहीं था भाई, कभी देखे नहीं है मैंने। किरण इस
मेरी अम्मा मुझे बाद में प्यार करती, बोलती अल्लाह मेरी बेटी को नहीं पता, अल्लाह मेरी अम्मा को तो खुशी की कोई फूल नहीं, मेरी अम्मा को नहीं पता, अल्लाह मेरी अम्मा को भी नहीं पता। नहीं मतलब मेरी बेटी बैठती उठती है ऐसा नहीं। पप्पा मैंने 10 दफा देखी है वो, लेकिन मैंने कभी उसको नहीं लगाया, देखा ही नहीं है। वो कहता बनते में देखा है ऐसे ऐसे। सर इनको पूरे कराची का हमारे यहाँ बैठा हुआ है, दीवारों पे लिखा हुआ है आशिक तुम्हारे कदमों में। गंदी मुझे पानी पीना है, गंदी मचाओ पानी के अंदर। ऊपर गिराया उसने। हाँ तो भाई घर आ गई थी मैं, और ना बहुत परेशानी हुई, गाड़ी का शीशा नीचे हो गया, वो ऊपर ही नहीं हो रहा, ऊपर ही नहीं हो रहा, ऊपर ही नहीं हो रहा। बड़ी मुश्किल से उसको ऊपर किया जैसे तैसे करके, और अब इतनी टेंशन है मुझे क्योंकि वो अभी थोड़ा सा ऊपर नहीं हुआ है। मुझे ये टेंशन है बैटरी ना निकल जाए मेरी गाड़ी की, लेकिन खैर कोई नहीं। अब वो बाबा सुबह उठ के फटाफट मकैनिक के पास जाएंगे और शीशा सही करवाएंगे। आई होप कि आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेगा। आज के दिन कुछ इतनी एक्टिविटी नहीं थी मेरी, थोड़ी बहुत ही थी, बट ये था कि गर्मी इतनी है, दिल नहीं चाह रहा कुछ भी करने का, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें ताकि आपको गर्मी की वजह से कोई मुश्किलात का सामना ना उठाना पड़े।